हेलो दोस्तों, अज की वीडियो तुहाडा स्वागत है। जे तुहानू नहीं पता, मेरा नाम हरदेव सिंह है ते मेरा चैनल आओ सोचिए। इत्थे मैं अपने जिंदगी दे टुकड़े यानी कि वीलॉग्स ते मन दे टुकड़े यानी कि आओ सोचिए दे एपीसोड्स शेयर करदा। अज शायद 8वां एपीसोड है। इहदे अंदर मैं बस जो मेरे जहन च गल्लां चल रहियां हुंदियां तुहाडे नाल सांझियां करदा। अज मैं तुहाडे नाल दो कहानियां शेयर करूँगा जिन्हां ने मेरे जहन ते बहुत गहरा असर पाया जदों मैं सुनिया सी ते जदों जदों मैं जिंदगी च इन्हां नूं याद कीता। उम्मीद करदा तुहाडे ते भी कुछ इदां दे ही असर करनगियां। तां जिहड़ी पहली कहानी है वह हैगी है एक यंग आर्टिस्ट की, एक उभरदे कलाकार की जो अपने गुरु दे अधीन पेंटिंग की कला सीख रहा हुंदा है। पर उसनू समय समय से अपनी पेंटिंग ते शक हुंदा रहिंदा है। उन्हूं लगता है भी पता नहीं मेरी पेंटिंग पब्लिकली दिखाउण लायक है कि नहीं, कि ये किसी एग्जीबिशन च लगन लायक है कि नहीं, कि मैं हुण एक परफेक्ट पेंटर बन गया कि नहीं। वो अक्सर अपने गुरु नू ये सवाल करता है कि मैं हुण मेरी पेंटिंग परफेक्ट हो गई है कि नहीं। तो उन्हूं गुरु हमेशा ये जवाब दिंदा है भी परफेक्शन जिहड़ी है वो एक मिथ है। परफेक्शन जिहड़ी चीज़ है यानी कि कुछ भी आप कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी कमी ना रहना, वह 100% परफेक्ट हो जाना, यह सिर्फ एक मन का वहम है, कदे हो नहीं सकता। यह गोल कदे मन च रखी दा नहीं हुंदा। तो बार बार गुरु उन्होंने यह गल समझाने की कोशिश करता है कि परफेक्शन ना की कोई चीज़ नहीं है। तो जिहड़ा आर्टिस्ट है उन्होंने यह गल नहीं समझ आती। तो गुरु एक दिन उन्होंने एक टास्क दिंदा है तो कहिंदा कि इदां कर, जिन्नी सोहनी पेंटिंग तू बना सकदा उन्नी सोहनी एक पेंटिंग बना। चार पाँच दिन ला के वो जिहड़ा चेला मैं उन्हूं कहूँगा वो पेंटिंग बनाउंदा है। तो उहदा गुरु उन्हूं कहिंदा कि हुण जाके इहनूं एक स्टैंड लै ते चौंक ते खड़ा कर दे जिथे सब तो ज़्यादा लोग गुजरते हैं। कोले एक रैड रंग का मार्कर रख दे ते एक लिख दे थले कि जे इस पेंटिंग के अंदर तुहानूं कोई भी कमी दिखती है तो उहनूं सर्कल कर दो, उहदे आले दुआले एक लाल रंग का घेरा पा दो। वो इदां ही करदा। अगले दिन उहदा गुरु उहनूं पेंटिंग लैण भेजदा है। 24 घंटे का वक्त बीत चुका हुंदा है। जदों चेला उत्थे पहुँचता है तो जान के हैरान हो जाता है कि सारी दी सारी पेंटिंग लाल हो चुकी है। इनफैक्ट पेंटिंग विच पेंटिंग घट रह गई है, लाल घेरे ज़्यादा ने। किसी नूं किते कमी दिख रही है, किसी नूं किते कमी दिख रही है। तो रोंदा कलाउंदा वो जिहड़ा आर्टिस्ट है अपना स्टैंड अपनी पेंटिंग चक के गुरु दे पैरां च जाके डिगदा है ते कहिंदा वी देखिया मैं तुहानूं कहा सी ना कि मेरी पेंटिंग परफेक्ट नहीं हुई है। फिर उहदे गुरु ने उन्हों समझाउंदे हुए कहा कि इदां कर, इदां दी होर पेंटिंग बना हूबहू सेम, उहदे च कोई भी बदलाव नहीं करना। उहनूं जिहड़ा पेंटर सीगा उहने 4-5 दिन ला के दुबारा उह उदां दी पेंटिंग बनाई। उहदे गुरु ने कहा भी हुण इहनूं फिर उसे चौंक ते ला दे ते ऐतकी बार उत्थे रैड मार्कर रखण दी बजाय पेंटिंग दा सारा समान रख दे ते लोकां नूं थल्ले बोर्ड ते लिख दे कि जे तुहानूं इस पेंटिंग दे अंदर कोई भी कमी दिख रही है तुहानूं सर्कल ना करो, जे तुहानूं कोई भी कमी दिख रही है तुहानूं सुधार दो। उदां ही हुंदा, 24 घंटे लई पेंटिंग चौंक ते पई रहिंदी है ते 24 घंटिआं तों बाद जदों पेंटर उत्थे पहुँचदा तां की देखदा कि पेंटिंग हू बहू उवें दी उवें पई है, उहदे नाल किसे ने भी छेड़खानी नहीं कीती। कहानी इत्थे खत्म हो जाती है। कहानी का अर्थ जिहड़ा हुंदा उह हमेशा असीं कढ़ना हुंदा। कुछ लोग इस कहानी का अर्थ ये कढ़नगे कि परफेक्शन एक मिथ है। ठीक है, परफेक्शन ना दी कोई चीज़ नहीं हुंदी। तुसीं जिस चीज़ नूं परफेक्ट मन रहे हो सकदा किसी लई परफेक्ट ना होवे। पर मैं इस कहानी का जो अर्थ कढ़िया उह इह सीगा कि दूजिआं दीआं गलतियां कढ़नियां बहुत आसान हुंदियां, उन्हां गलतियां नूं सुधारदे हुए अपनी जिंदगी जीनी बहुत मुश्किल हुंदी है। जे असी दूजिआं दीआं गलतियां कढ़न ते आ जाइए ते फिर तां असी पूरे धुरंधर खिडारी हाँ। ठीक है, फिर तां साडे वर्गा बैट्समैन कोई है नहीं गा। लेकिन फिर जिथे जिंदगी च बोल्ड होण तों बचण दी गल आउंदी है, LBW कैच आउट होण तों बचण दी गल आउंदी है, उत्थे असी भी मार खांदे हाँ। मैं इस कहानी तों इह सिख्या सीगा कि दूसरिआं नूं घट तों घट जज करो। खुद की जिंदगी नूं जज करोगे तो शायद उहदा कोई फायदा भी निकलूगा। हुण जे दूजी कहानी की गल करिए तो दूजी कहानी एक छोटे लड़के की है। एक 6-7 साल लड़का एक विद्वान सैर कर रहा हुंदा, बहुत पहुंचा हुआ विद्वान हुंदा, वह समुद्र के किनारे किनारे तुरिया जा रहा हुंदा। की देखता है कि रात जिहड़ा झक्खड़ आया हुंदा है, समुद्री तूफान जिहदे च छोटे छोटे जीव जंतु जिहड़े है वह
किनारियां ते धरती ते आ डिगे हुंदे आ पानी चो निकल के करोड़ा अरबां दी गिनती विच उन्हां विच एक छोटा बच्चा तुरिया फिरदा है जो बुक भर भर के उन्हां मछलियां नूं वापस पानी सिट रहा। मछलियां दे हले भी सांस चल रहे हुंदे आ ते लड़के की कोशिश ये चल रही हुंदी है भी जल्दी तो जल्दी इहनूं वापस सिटिया जावे। ये हैरानीजनक दृश्य देख के जिहड़ा विद्वान है उस लड़के कोले पहुँचदा ते उह लड़के नूं पुछदा भी तू ये की कर रहा है तो वह कहिंदा कि मैं इन्हां नूं बचाउण दी कोशिश कर रहा। पर वह कहिंदा बेटा इत्थे तां अरबां दे गिनती विच जानवर समुंदर चों बाहर निकल के डिगे हुए आ ते वधो वध इन्हां दे 10 या 15 मिनट सांह चल रहे ने ते तू किन्ने क जानवरां नूं बचा लेगा तू किन्ने क मछलियां नूं वापस समुंदर च भेज देगा इहदा कोई फायदा नहीं मतलब ये फ्यूटाइल है व्यर्थ है। तो लड़के ने कहा भी गल तो तुहाडी ठीक है जे मैं अपनी ही जगह खुद नूं रख के देखा ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਬਾਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਕੁ ਦੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਬਚਾ ਪਾਊਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ 500 ਸ਼ਾਇਦ 1000। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਹਰ ਉਹ ਮੱਛਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਖੁਦ ਦੀ ਤਰਫ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 400-500 ਮੱਛਲੀਆਂ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਮੱਛਲੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਕਹਾਣੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।